एक बार फिर से मेरी माटी Thank you.
बाकी सारा सामान किसमें लाते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानते। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। नहीं जानते। हो सकता है अभी भी मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। नहीं जानते। मेरे कारण कितने ही इंसान और कितने ही जानवर मर जाते हैं। नहीं जानते। तुम ही ने मुझे इकट्ठा करा है और तुम ही नहीं जानते। नहीं जानते। तो मैं ही बताऊँ कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ पॉलिथीन का कचरा, पॉलिथीन का, जो तुम सबने इकट्ठा करा है, और अब मैं सबको मार डालूंगा क्योंकि तुमने मुझे अमर बना दिया है। हम तुम्हें जला देंगे। जला दोगे? जला दोगे तो मैं पॉल तो मैं गैस बन के तुम्हारी सांसों में समा जाऊंगा। हम तुझे जमीन में दबा देंगे। दबा दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन को बंजर बना दूंगा। नदी में बहा दोगे तो मैं तुम्हारी नदी के पानी को दूषित कर दूंगा। दूषित कर दूंगा। तो तुम ही बताओ हम तुम्हें कैसे खत्म कर सकते हैं? इस्तेमाल करना बंद कर दो, वरना जगह जगह मेरे रूप में तुम्हें मारने वाले नजर आएंगे और तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने जानवरों को मरने नहीं देंगे। हम आज के बाद पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम पॉलिथीन की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? Global population and 60% of world's land area.
The chairman of G20 is our respected Prime Minister Shri Narendra Modi. The current presidency of G20 is held by India, and the upcoming presidency of G20 will be in hands of Brazilian President Mr. Luiz Inácio on September 10. India is delighted to host 18th G20 summit on 9th and 10th September 2023 at New Delhi's Bharat's Mandapam. इस नगर के प्रथम नागरिक श्री बजरंगी जी साथ में बैठे मेरे भाई और मेरे पत्रकार बंधु, सीनियर सिटीजन पत्रकार बंधु और मेरा पुलिस प्रशासन और इस गढ़ का एक एक नागरिक जो डीएम पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ खड़ा रहता है। आपने देखा पुलिस अंकल कैसे आपको वहां से यहां तक सुरक्षित लेके आए हैं। आपने देखा होगा कैसे आपके आगे आगे यहाँ के प्रथम नागरिक चल रहे थे। पत्रकार बंधु अपनी मोटरसाइकिलें वहीं छोड़कर आपके साथ थे। तो कोई भी चीज, कोई भी काम बगैर सहयोग के नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, आपका नाटक बहुत अच्छा था, आपका रहन-सहन बहुत अच्छा है और आज हम अपने प्रथम नागरिक को संदेश देने आए हैं स्कूल से यहां तक आपके नगर पालिका में, क्योंकि यही आप हमारी संसद है इस गढ़ की। इस संसद से कुछ ऐसा निकलना चाहिए कि कम से कम गढ़ की प्रगति बन रही है और जो प्रशासक कठोर होते हैं थोड़े दिन लोगों को बुरा लगता है लेकिन उसके बाद उसी की जय जयकार होती है, ऐसा हम लोगों का मानना है, ऐसा हमारा मानना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बता रहे भाई साहब के 15 दिन पहले से हमारी बात चल रही है। हम भी 15 दिन पहले से संसद में आने की कोशिश कर रहे थे कि किसी दिन संसद में आएंगे और अपने मुख्यमंत्री को, हमारे गांव के मुख्यमंत्री आप हैं, अपने मुख्यमंत्री को संदेश देके जाएंगे इस नगर पालिका से वो स्टार्ट हो कि यहाँ के नाले चौक ना हो। पीछे प्रकाश भाई साहब बैठे, इनके घर में पानी भर गया, चूंकि पॉलिथिन भरी हुई है भाई, जब नालों में पॉलिथिन भरेगी तो अपना पानी जाएगा और इसे स्टार्ट करना है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सीखे, उन्होंने सबसे पहले वो क्या करते थे, पॉलिथिन को उठाई अपनी जेब में रख ली। अभी देश का झंडा कहीं लगा था उसे उठा के अपनी जेब में रख लिया। तो ऐसा कुछ संदेश हमारी इस नगर पालिका के संसद से जाना चाहिए, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और कम से कम जो यहाँ लोग खड़े, जो हमारे बच्चे यहाँ खड़े, उन्होंने शपथ ली है, हम कसम खा कर जाएंगे कि हम पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे, अपने घर से थैला लाएंगे, उसी में सब्जी लेंगे, उसी में सारे चीज लेंगे। धन्यवाद भाई साहब आपका सहयोग के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों को सहयोग करने के लिए, धन्यवाद मेरे मीडिया जगत, धन्यवाद मेरे सिक्योरिटी भाई जो हमारे साथ यहाँ तक हमें सुरक्षित लेके आए, धन्यवाद मेरे बच्चों। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप दूसरे के लिए खुलकर ताली बजाइए, एक संसार आपके लिए तैयार हो रहा है जब आप खड़े होंगे और लाखों लोग तालियां बजाएंगे, फिर एक बार ऐसी पुनरावृत्ति हो, तालियों में उत्साह होना चाहिए। पुनीत सागर योजना के अंतर्गत हमारा अध्यक्षीय मुख्य अतिथि के रूप में जिनका संबोधन मिलने वाला, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आज एक रैली का आयोजन किया गया था, क्या रैली थी और क्या इसका तात्पर्य था? रैली 48 बटालियन एनसीसी की ओर से और डीएम पब्लिक स्कूल की ओर से किया गया है और इसमें पॉलीथीन मुक्त गढ़ बनाने का हमारा उद्देश्य, जैसे पॉलीथीन मुक्त भारत बनाना है, हम पॉलीथीन मुक्त गढ़ बनाने के उद्देश्य से यहाँ तक आए हैं और अपने चेयरमैन और अपनी गढ़ की संसद में आवाज देने के लिए आए हैं कि हमारे गढ़ को पॉलीथीन मुक्त सभी सदस्यों से आग्रह। तो आपको लगता है सर कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चराइज हो रही है मार्केट जो है, तो उसमें भी पॉलिथीन को लेकर काफी जो है वो अनदेखा किया जाए जो ग्राहक है उनके द्वारा, तो इससे कुछ अंतर आ सकता है जमीनी तौर पर? बिल्कुल आएगा, सबसे ज्यादा आएगा हमारी जागरूकता से। हम घर घर जैसे हमने अभी रैली का आयोजन किया है, उसी तरह से हमारे यहाँ जो नगर पालिका से मैसेज निकलेगा वो मैसेज भी बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो अपने थैले में सब्जी लेने गए,
तो उसमें चार लोग और देखेंगे उनसे चेंज है। कौन सी योजना के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया था? पुनीत सागर योजना। पुनीत सागर योजना के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया। इसमें कितने एनसीसी जो कैडेट हैं आपके छात्र, उन्होंने भागीदारी की थी? लगभग 75 एनसीसी कैडेट्स ने इसमें भागीदारी ली है और डीएम पब्लिक स्कूल का स्टाफ बने हुए थे।